हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा करंट नाइट स्किन केयर रूटीन, जिसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स होंगे। टोटल आई थिंक 10 स्टेप्स होने वाले इस वीडियो में, बट वो सारे ही बहुत ही इजी होंगे और ऑलमोस्ट मैं जितनी भी चीज़ें आज की वीडियो में शेयर करूँगी वो नेचुरल होंगी, तो ईजिली उन्हें घर पर बनाया जा सकता है। और ये वीडियो जो मैं शेयर करने वाली हूँ, इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी, रेमेडीज़ होंगी या फिर जो भी स्टेप्स होंगे, वो सारे लोगों के लिए होंगे। हर एक एज वाले लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे टीनएजर्स हो या फिर आप 20 प्लस हो या फिर कोई सा भी स्किन टाइप हो, ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें बताते जाती हूँ कि मेरा नाइट में स्किन केयर रूटीन कैसे स्टार्ट होता है और एंड किस चीज़ पर होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो हम अपने फेस पे यूज़ करेंगे वो होता है क्लेंज़र। तो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ एक क्लेंज़र जो कि मैं बनाती हूँ मिल्क और बेकिंग सोडा की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, आपको रॉ मिल्क चाहिए होगा। तो आपके घर पे जब भी मिल्क आता है ना, आप अलग से बाउल में थोड़ा सा निकाल के रख लो कि आपको डेली रात में, क्योंकि इसको यूज़ करना है अपने स्किन पर। आपको क्या करना है, आप लगभग ले लो 2 चम्मच मिल्क, रॉ मिल्क एक बाउल में लो, उसमें आपको 1/2 चम्मच ऐड करना है बेकिंग सोडा, दोनों को थोड़ा सा मिक्स कर लो। अभी आपको इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। ये करने से क्या होगा, फेस पे जो भी मेकअप होगा या फिर जो भी डर्ट होगी, पॉल्यूशन होगा, वो सारा निकल जाएगा और ये ना स्किन को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी ज़्यादा प्लम्प भी कर देगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क ऐड किया हुआ है। और ऑयली स्किन वालों को ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ, बल्कि हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। इसको आप 2 मिनट के लिए यूज़ कर लो, फेस हमारा काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा, बट थोड़ी बहुत गंदगी तब भी रह जाती है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरी बार फिर से अपने चेहरे को धुलती हूँ और उसके लिए मैं फोम क्लेंज़र का यूज़ करती हूँ। अब फोम क्लेंज़र के लिए आप लोग कोई सा भी क्लेंज़र यूज़ कर सकते हो। आप लोग कोई ना कोई तो फेस वॉश अभी यूज़ कर ही रहोगे ना अपने चेहरे पे, या फिर बहुत सारे ऐसे सोप भी आते हैं जो फेस पे यूज़ किए जाते हैं। अगर आप वैसा कुछ भी ट्राई कर रहे हो, अभी यूज़ कर रहे हो, आपको सूट कर रहा है, तो आप उसको बेझिझक यूज़ करो। और अगर आपको फेस वॉश से रिलेटेड कुछ भी कन्फ्यूजन है ना, तो मैंने रिसेंट में उस पर वीडियो किया है, आप उसको देख लेना। बस फिर फोम क्लेंज़र से अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ और इतना करने के बाद में सेकंड स्टेप में हमारा फेस जो होता है वो कम्प्लीटली क्लीन हो जाता है। अभी फेस को हल्का सा पोंछती हूँ मैं, बट पूरी तरह से उसको ड्राई नहीं होने देती हूँ, मतलब डैम्प स्किन पे ही मैं क्या करती हूँ, टोनर अप्लाई कर लेती हूँ। टोनर मैंने नया बनाया है अपने स्किन के लिए, क्योंकि मुझे फेशियल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, एंड क्योंकि यू नो डर्ट की वजह से, नए प्रोडक्ट्स की वजह से, एंड इसके अलावा मेरी स्किन पे मुझे थोड़ा सा ग्लो चाहिए था, जो नेचुरल वाला ग्लो होता है ना, जो स्किन सॉफ्ट और प्लम्प दिखती है, ग्लोइंग दिखती है, वो मुझे चाहिए होता है। इसी वजह से मैंने कुछ ऐसी ही चीज़ें मेरे रूटीन में ऐड करी हैं। तो टोनर बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेती हूँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच हनी। आपको जितनी क्वांटिटी का बनाना है आप उस हिसाब से बना सकते हो। लगभग 1.5 चम्मच आप हनी लो, आप क्या करो उसको बॉयल कर लो, थोड़ा सा आपको गर्म करना है। उसके बाद में आप उसमें वाटर ऐड करो, फिर आप उसमें एसेंशियल ऑयल ऐड कर देना, कोई सा भी, जैसे टी ट्री ऑयल हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, ये सारे स्किन के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। ऐड करने के बाद में आप क्या करो, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। एक बार जैसे ही वो कम्प्लीटली ठंडा हो जाता है ना, आप एक क्लीन कंटेनर में उसको स्टोर करके रख दो, स्प्रे वाली बॉटल में या फिर किसी भी जार में। और जब टोनर आपको यूज़ करना हो, आप यही वाला यूज़ करो। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है हनी में, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो भी एक्ने वगैरह होते हैं, जो बढ़ते चले जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो प्रॉब्लम होना रुक जाती है। स्किन को ये सॉफ्ट करता है, मॉइस्चराइज करता है, ग्लोइंग करता है, तो उस चीज़ में भी हमको हेल्प मिल जाएगी। बस टोनर अपने डैम्प स्किन पे लगाती हूँ 2-3 बार और जैसे वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद में मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। तो रात में मैंने क्या यूज़ करना स्टार्ट किया है, मैं कोई प्रोडक्ट वाला सीरम नहीं यूज़ करती हूँ, या फिर मैंने जो मॉर्निंग रूटीन में शेयर किया था वो वाला सीरम यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इसकी जगह पे यूज़ करती हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि इसके 2 काम हो जाते हैं। एक तो सीरम वाला काम भी ये कम कर देता है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, साथ में स्किन को मॉइस्चराइज़ भी कर देता है। तो एक ही स्टेप को फॉलो करने से हमको ना सीरम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बस मैं क्या करती हूँ, प्लांट वाला एलोवेरा लेती हूँ, उसको क्लीन करती हूँ, अपने स्किन पे अच्छी तरह उसको लगाती हूँ। एक बार जैसे एब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा फिर से इसकी लेयर अप्लाई कर लेती हूँ। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। आपको जो टैनिंग होगी, डलनेस की प्रॉब्लम होगी, वो सारी सही हो जाएगी। स्किन को ब्राइटन करने में ये हेल्प करता है, स्किन को जल्दी से हील करता है,
एक्ने वगैरह को ठीक करेगा, जो पिगमेंटेशन होती है उसमें हेल्प करेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग करेगा, मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। तो इसको तो ज़रूर ट्राई करना आप लोग। बस एलोवेरा जेल लगाने के बाद में जैसे वो एक बार ही एब्जॉर्ब हो जाता है ना स्किन पे थोड़ा सा, मैं क्या करती हूँ, मैं अपने आँखों के नीचे थोड़ा सा क्या करती हूँ, एक मास्क कह सकते हैं या फिर क्रीम कह लो, मैं उसको अप्लाई करती हूँ जिससे कि डार्क सर्कल्स ना हो और वहाँ पे अगर ब्लैकनेस हो तो वो सही हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको बस विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, आपको एक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए होता है, मान लो 2 ड्रॉप हमको चाहिए विटामिन ई का ऑयल। आप क्या करो, अंडर आई एरिया पे अप्लाई करो एंड थोड़ा सा मसाज कर लो अपने फिंगर से, मसाज करोगे वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है तो उससे भी हेल्प मिल जाती है। ये क्या करेगा, आपके डार्क सर्कल्स अगर हैं उसको सही कर देगा और होने से भी रोकेगा। विटामिन ई के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इतना मैंने कर लिया, इसके बाद में मैं लिप मास्क यूज़ करती हूँ। अभी देखो ये सारी चीज़ें हमको डेली फॉलो करनी होंगी, तभी एक टाइम पे हमको हमारे स्किन, हमारे लिप्स, मतलब पूरी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ फॉलो कर लो और एक चीज़ नहीं कर रहे हो, एक हफ्ते के बाद ही फॉलो कर रहे हो फिर उससे आपको फ़र्क दिखेगा ही नहीं। तो लिप मास्क के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं बीटरूट लेती हूँ, बेसिकली हमको उसका जूस निकालना होगा, ठीक है, थोड़ा सा। फिर आप क्या करोगे, एक कंटेनर में आप थोड़ा सा बीटरूट का जूस रख लो, उसमें आप ऐड कर दो मिल्क क्रीम, उसका अच्छे से मिक्स कर लो। अगर आप चाहो तो आप इसमें आप कोई एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर सकते हो थोड़ी सी माइल्ड फ्रेग्रेंस के लिए, बाकी नहीं ऐड करना है तो वो आपके ऊपर है। बस इसको अच्छे से मिक्स करना होगा आपको और फिर क्या करो, आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दो थोड़ी देर के लिए और फिर आप इसको अपने लिप्स पे यूज़ करो। फ्रिज में इसलिए रखना है कि जल्दी से ये ख़राब ना हो। और मास्क की तरह आपको इसको लगाना है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लगाना, एकदम लिप बाम की तरह हल्का सा मत अप्लाई करना। ये नेचुरली लिप्स को पिंक करने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा, साथ में ब्लैकनेस वगैरह को ठीक कर देगा। और मेन चीज़, इससे हमारे लिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहेंगे, वहाँ की स्किन अगर आपकी ड्राई है तो प्रॉब्लम तो आपको कभी फेस करनी ही नहीं पड़ेगी। तो इस वजह से ये मास्क मैं यूज़ करती हूँ मेरे लिप्स पे। इसके बाद में हैंड एंड फुट क्रीम के लिए मैं एक क्रीम बनाती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल थोड़ा सा लेती हूँ, एलोवेरा जेल उसमें मैं ऐड करती हूँ और रोजमेरी ऑयल मैं ऐड करती हूँ। एलोवेरा जेल मार्केट वाला भी चल जाएगा और अगर प्लांट का आप निकाल के बनाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप तीनों चीज़ों को लो, सारी चीज़ों की क्वांटिटी सेम रहेगी रोजमेरी ऑयल को छोड़ के। मतलब कोकोनट मान लो आपने लिया है 2 चम्मच, तो आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें ऐड करना है एंड कुछ ड्रॉप्स आपको लगभग 10 ड्रॉप्स लगेंगे रोजमेरी ऑयल के, और इसमें ऐड करके मिक्स कर लेना, कंटेनर में स्टोर करके रखना। आप इसको आपके हाथों पे, नेल्स के पास में अप्लाई करना, फूट पे अप्लाई करना एंड ये स्किन को हेल्दी रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, डीपली मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। तो इससे आपके हाथ और आपके पैर की स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और चाहो तो इसको फुल बॉडी में भी अप्लाई कर सकते हो एज अ बॉडी लोशन, उस तरीके से भी ये वर्क करेगा। इतना करने के बाद पे मैं नेल सीरम अप्लाई कर लेती हूँ जिससे कि मेरे नेल्स भी हेल्दी रहें। और नेल सीरम के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि मैं गार्लिक से नेल सीरम कैसे बनाती हूँ जो नेल्स की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप खुद ही चेक कर लेना, आपको इजीली मिल जाएगा, वो आप देख लेना। वही वाला नेल सीरम मैं क्या करती हूँ, अपने नेल्स पे अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ। और लास्ट में मैं क्या करती हूँ, सोने के पहले मैं पहले तो कॉम करती हूँ हेयर पे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा सीरम लेती हूँ। आप चाहो तो सीरम ले सकते हो या फिर कोकोनट ऑयल भी चल जाएगा जो आप हेयर पे ऑयल अप्लाई करते हो। फिलहाल कोकोनट ऑयल होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो भी प्योर होना चाहिए क्योंकि वो सेफ रहता है, डैमेज नहीं करता हेयर को। बिल्कुल ज़रा सा आपको चाहिए होगा, हाथ पे लो, उसको मिक्स करो और अपने हेयर के एंड्स पे अप्लाई करो। ये क्या करेगा, ड्राइनेस इससे आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी, हेयर के एंड्स पे जो बहुत ज़्यादा फ्रीजर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो नहीं होगा। इससे अगर आपके हेयर डैमेज है तो वो धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाएंगे और हेयर डैमेज नहीं होंगे। जैसे कि होता नहीं कि हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई से लगने लगते हैं हेयर वॉश के 1-2 दिन बाद में, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। और सिर्फ एंड्स पे नहीं, आपको थोड़ा सा पूरे हेयर पे अप्लाई करना है, एक बार कॉम कर लेना है, उसके बाद में आप ब्रेड बना लो और सो जाओ। इस तरीके से अगर आप 3 दिन भी हेयर वॉश नहीं कर रहे हो ना तो आपके हेयर रूखे रूखे से या फिर ख़राब नहीं लगेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए भी सही रहता है। आपकी आदत पड़ गई तो आपके हेयर जो है वो फ्रिज नहीं लगेंगे, वो ड्राई नहीं लगेंगे, तो ख़राब नहीं लगेगा देखने में। तो इस तरीके से मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मेरे स्किन पे फॉलो और मेरे हेयर पे फॉलो, और मुझे इनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। और आई थिंक ये सभी लोग फॉलो इजिली कर सकते हैं, और अगर आप ट्राई करोगे तो मेरी तरह आपको भी इनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो बस यही था मेरा बिल्कुल सिंपल सा वीडियो, यही था मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो।
कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।